हेलो स्टूडेंट्स दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का सिक्स क्लास का चैप्टर वन आधा पार्ट हम लोग कर चुके थे अभी आज जो करेंगे वो सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए आइए देखते हैं देखते हैं डू यू नो और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दो चीजें आपकी एनसीआर से उठाई है हमने और एनसीआर बेसिस क्योंकि हमारी क्लासेस है तो एनसीआर से ही आ, चीजें कैलकुलेट uh, करके चलेंगे हम लोग ठीक मतलब है आपको मिलेगी तो इससे पहले वाले वाले पार्ट में कॉन्स्टलेशन तो देख चुके थे नक्षत्र मंडल जिसे कहेंगे है ना एंड हम लोग नॉर्थ uh, स्टार देख चुके थे है ना ध्रुव तारा पोल स्टार जिसे हम कहेंगे एंड हम लोग ने कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की थी प्लेनेट्स के बारे में है ना एंड हम लोग ने कुछ देखा था आई थिंक uh, जो हमारे uh, मून है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक चीजों को हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ठीक है आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं तो इससे और थोड़ा सा आगे की चीजें आज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे क्लियर है चलिए देखते हैं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं एक बारी है ना जुपीटर सैटन एंड यूरेनस है इनके बीच में कुछ रिंग्स छल्ले पाए जाते हैं रिंग्स का मतलब यहाँ पे छल्लों से है ठीक है इस टाइप के छल्ले इस टाइप के छल्ले हैं कुछ वो उनकी बात की है दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेप्रिस डेप्रिस का मतलब यहाँ पे पट्टी से है ठीक है पट्टी तो वो कह रहे हैं कि इनके बीच में एक पट्टी बन जाती है इस टाइप की पट्टी ठीक है वो कह रहे हैं कि दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विध दावरफुल टेलीस्कोप और इसको देखा कैसे जाता है इसको हम लोग जब पृथ्वी पर पृथ्वी से देखेंगे इसको स्काई में क्योंकि सारी चीजें कहाँ हो रही है यूनिवर्स में हो रही है ठीक है थीके? तो जब हम इसको देखेंगे तो कह रहे हैं बहुत ही पावरफुल उसके लिए क्या चाहिए टेलीस्कोप चाहिए ऐसे नहीं देख सकते हम लोग नेकेडाइज से नहीं देख सकते इन चीजों को ठीक है तो ये हमारा एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब फैक्ट है आगे देखिए you know? लिखा है कि सोल इज सोल जो वर्ड है वो एक रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से है ना क्या है सन गॉड है यानी सूर्य का देवता सन गॉड का मतलब क्या है सूर्य का देवता तो कह रहे हैं कि जो सोल वर्ड है वो रोमन वर्ड है रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो वो सन गॉड है सोलर का मतलब होता है रिलेटेड क्या है यहां से सोलर का रिलेटेड है सन ठीक है एंड द फैमिली ऑफ सन इज देर फॉर कॉल सोलर सिस्टम इसीलिए सन की जो फैमिली है उसको इन्होंने सोलर सिस्टम का नाम दे दिया ठीक है एंड राइट डाउन एज मैनी वर्ड यूजिंग वर्ड सोलर ऑन योर ऑन योर ओन एज यू कैन कह रहे हैं इस तरीके से अगर आपने कुछ और भी वर्ड यूज किए हैं तो उसका आप जो है वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन जैसे आप कर सकते हैं कीजिएगा और बताइएगा ठीक है तो ये आपके लिए एक पॉइंट uh, है एक होमवर्क uh, लीजिए आप कीजिएगा घर पे देखिएगा है ना राइट डाउन मेनी वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स लिखिएगा इससे रिलेट करते हो कि इस तरीके से बने हो ठीक है चलिए आगे की कहानी देखते हैं फिर से एक दूजनो है हमारे पास तो देखो क्या है बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनोम वेरी गुड फैक्ट कि एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहते हैं भाई एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहते हैं ना तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रोनोमर्स वो लोग होते हैं जो कि हमारी खगोलीय पिंडों की सेलिस्ट्रियल बॉडीज की क्या करते हैं स्टडी करते हैं है ना कुछ लोग होते हैं जैसे हम लोग इंसानों की बात करें किसी को तारो भरी रात किसी को चंद्रमा वाली पूर्णिमा की रात बहुत अच्छी लगती होगी है ना कि भाई चांदनी रात है बोलते हैं ना आज तो बड़ी रात अच्छी है चांदनी रात है कुछ को तारो वाली मतलब आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देंगे तो किसी को वो रात अच्छी लगती है तो फैसिनेटेड का मतलब है मतलब किसी चीज के लिए हम हाँ खुशी से खुश हो जाए एकदम से देख के हाँ ये चीज हमें देखनी है ठीक है तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो लोग इन इन सब चीजों की स्टडी करते हैं उनको पढ़ते हैं उनको अपनी बुक्स में लिखते हैं उनको दुनिया को बताते हैं उनको क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं जो तारों से रिलेटेड सूर्य से रिलेटेड और प्लेनेट से रिलेटेड स्टडी करें ठीक है आर्यभ्टा वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियंट इंडिया एशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो जो आर्यभट्ट जी थे वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं ठीक है मून एंड शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड क्योंकि मून और जो प्लेनेट्स हैं वो कह रहे हैं शाइन करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वो क्योंकि वो खुद रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट ठीक है क्योंकि वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं इसीलिए वो शाइन करते हैं मर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स और यूनिवर्स जो है वो इतना बड़ा है ब्रह्मांड जो है वो इतना बड़ा है कि उसको बहुत सारे लोग मिलकर आज भी क्या कर रहे हैं सर्च कर रहे हैं उस पर स्टडी कर रहे हैं उसको उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें और भी हमारी जानकारी से परे हैं मतलब अभी तक हमारी जानकारी में वो चीजें आई नहीं है ठीक है तो इस तरीके से लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं आगे देखिए अभी देखिए यहाँ से मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सोलर सिस्टम अभी तक हम क्या कर रहे थे चीजों की छोटी छोटी जनरल नॉलेज ले रहे थे है ना कि भाई ये क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है ये कैसे होता है ये सब इसको क्या कहते हैं है ना अब हम क्या देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं द सोलर सिस्टम सो प्रॉपर सोलर सिस्टम की भाई सन की जो आसपास की चीजें हैं और जो प्लेनेट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं किस तरीके से रोटेट करते हैं किस तरीके से रेवोल्यूट करते हैं कितने दिन में करते हैं और उनसे क्या होता है ये सब चीजें ठीक है तो द सोलर सिस्टम क्या एस्टेरॉइड्स और मेटारोइड्स है ना एस्टेरॉइड और मेटारोइड्स में याद रखिएगा कुछ होते हैं छुद्र तारे है ना क्षुद्रिकाएं जिन्हें कह सकते हैं और मेटारोइड्स होते हैं उल्का पिंड हिंदी हिंदी वाले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो प्लीज हिंदी वर्ड्स पर फोकस करिएगा छुद्र तारे कह सकते हैं कह कह सकते हैं, कह सकते हैं हैं या फिर का मतलब होता है पिंड हिंदी में ठीक है चलिए आगे सन एक तारा है फिर से बोलूंगी एन स्टार है एन जो प्लेनेट है वो हमारे हम भी एक प्लेनेट पर रहते हैं तो अर्थ इज अ प्लेनेट ठीक है आगे देखिए रहे फ्रॉम द सोलर सिस्टम फैमिली हम लोग सोलर फैमिली के लोग हैं एंड विद द सन मतलब उस घर का उस फैमिली का हेड कौन है वो सन है ठीक है क्योंकि सब लोग किसके आसपास रेवोल्यूट uh, कर रहे हैं रेवोल्यूशन कर रहे हैं सन के आसपास रेवोल्यूशन कर रहे हैं ठीक है तो हेड ऑफ द फैमिली सन और बाकी लोग कौन है वो सोलर सिस्टम की फैमिली है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए ये सन है है ना ये देखो मरकरी सेटर्न यूरेनस अर्थ मार्स वीनस जुपिटर ये सारे ग्रह जो हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके से ये जो है वो वर्क कर रहा है आगे देखिए आगे की कहानी क्या कहती है भाई हमारी Some more जेता जो एक्सप्लेन फोर प्लेनेट्स मोस्ट प्लेनेट्स रोटेट इन इन दिस सेम देखो इनकी डिरेक्शन बताई गई है यहाँ पे ठीक है इनकी डिरेक्शन बताई गई है कि भाई किस डेक्शन में ये लोग मूव करते हैं देखो देखो आपको इससे समझ में आएगा ये जो एरो दिख रहा है है ना ये जो एरो दिख रहे हैं इससे आप लोग ये ये चीज समझ सकते हैं हैं जो एरो दिख रहे हैं। ठीक है ये जो एरो दिख रहे हैं इससे ये चीज को अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका किस तरफ जो है देखो और ये जो वैल्यू दी है ना बच्चा ये वो वैल्यू दी गई है कि ये जो जैसे आपने सबने कभी ग्लोब देखा है ग्लोब तो जब आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब एक तरफ थोड़ा सा टिल्ट है टिल्ट का मतलब झुका हुआ है है ना जैसे वो अपनी एक्सेस पर जब वो राउंड करता है तो वो थोड़ा सा टिल्ट है तो वैसे ही जितने भी हमारे क्या है जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सब थोड़े थोड़े से टिल्ट हैं तो ये देखो ट्वेंटी डिग्री पर कैसा है टिल्ट है ये सेवेंटी वन डिग्री पर है और ये जीरो डिग्री पर बिल्कुल भी टिल्ट नहीं है और ये वाला मार्स 25 डिग्री पर है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या दिया है ये ये एक चीज ऐसी दी है कि भाई एक तरह से क्या आप टिल्ट होके रोटेट करते हो और टिल्ट ही होके क्या कर रहे हो आप रिवॉल्यूशन कर रहे हो ठीक है तो उसका उसके लिए ये दिया हुआ है। आगे देखिए सिस्टम इन ऑर्डर देअर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर अगर हम देखें कि हमारा सन के हिसाब से यानी सन जो है है ना सन को ऐसे मान लेते हैं हम लोग ऐसे फिर सन के सबसे पास कौन है फिर थोड़ा दूर कौन है फिर उससे इस तरीके से हम लोग आठ प्लेनेट को काउंट करेंगे ठीक है सन के डिस्टेंस के हिसाब से सन से डिस्टेंस के हिसाब से तो सबसे पास कौन सा है मरकरी फिर उसके बाद वीनस फर्स्ट नंबर पर मरकरी सेकंड नंबर पर वीनस थर्ड नंबर पर अर्थ फोर्थ नंबर पर मार्स फिफ्थ नंबर पर जुपिटर, सिक्स नंबर पर सेटन सेवेंथ नंबर पर यूरेनस एंड सबसे लास्ट एट नंबर पर नेपच्यून ठीक है तो इस तरीके से ये आठ ग्रह हैं मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून तो ये हमने किस तरीके से देखा फिर से मैं बता रही हूं आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सन सन से दूरी के हिसाब से अगर हम इन्हें काउंट करें तो जो हमारा अर्थ है वो तीसरे नंबर पे आता है यानी कि अर्थ से आगे सन की तरफ अगर जाएं पीछे की तरफ नहीं सन की तरफ अगर हम बात करें तो दो ग्रह और हैं जिनका नाम है मरकरी और वीनस ठीक है ये देखो पीरियड ऑफ रोटेशन एंड पीरियड ऑफ क्या दिया गया है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दिया गया है ठीक है अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो 24 घंटे में ये रोटेट कर जाती इसका रोटेशन है और अगर तीन दिन की बात करें तो रेवोल्यूशन करती है तीन दिन में वैसे ही सबका दिया गया है देखिए वीनस का दिया गया है मर्की का मार्स का एंड सेटन का इस तरीके से दिया गया है कि जो मार्स है वो 24 घंटे में ही क्या कर लेता है सेम जैसे करती है चौबीस घंटे में वैसे ही जो मार्स है वो भी चौबीस घंटे में ही मंगल मिशन के बारे में सुना होगा का टॉपिक है है मंगल मिशन से कनेक्टेड रहिए आप लोग ना तो वो जो अभी चौबीस घंटे में अपनी रोटेट पर घूम लेता है एंड रेवोल्यूशन पीरियड सिक्स एटी सेवन डेज का है उसका ठीक है मरकरी जो है वो सबसे ज्यादा पास में है तो फिफ्टी नाइन डेज में तो वो खुद घूम लेता है एंड एटी डेज में ही सन के चारों ओर चक्कर लगा लेता है ठीक है तो आप देखेंगे कि जितने ज्यादा पास में है उतना ही ज्यादा जल्दी से अ, लेट तक ये करते हैं देखो 165 सालों में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है जब नेपचून जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है और 84 सालों में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है जब यूरेनस सन के चक्कर लगा पाता है एंड 29.5 इयर्स में एक बार सिचुएशन ऐसी आती है जब जो है वो शनि यानी सैटर्न जो है वो सन के चार और चक्कर लगा पाता है और 11 सालों में लगभग 11.9 सालों में एक ऐसी कंडीशन आती है जब जुपिटर सन के चक्कर लगा पाता है मार्स का भी जस्ट मैंने बताया ही है आपको रहा बच्चा हमारा क्या वीनस तो टू डेज में सन का एक चक्कर लगा पाता है क्लियर है इतनी चलिए नेक्स्ट ऑल द एट प्लेनेट्स ऑल द एट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंडिक हम लोग सन है उसके चारों तरफ जो एक फिक्सड पाथ है ये सन है और ये फिक्सड है ऐसा नहीं है कि इधर गया फिर इधर गया ऐसा ऐसा वाला नहीं है ठीक है तो जो इसका जो पाथ है जो रास्ता है पाथ का मतलब रास्ता है ना वो एक फिक्स्ड है ऐसा नहीं है कि पहले इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था अब थोड़ी देर बाद क्या करेगा इस वाली ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगा तो ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि जो सन इन द फिक्स्ड पाथ जो सन के चारों तरफ जो सोलर सिस्टम है वो फिक्स्ड पाथ पर चक्कर लगा रहे ठीक है आगे की कहानी क्या कह रही है देखिए दीज़ पाथ आर इलॉन्गेटेड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स अभी मैंने जस्ट बताया कि जो जिस रास्ते पर ये चक्कर लगा रहे हैं उस रास्ते को क्या वर्ड दिया गया है ऑर्बिट उसको ऑर्बिट कहेंगे ठीक है एंड मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन अभी जस्ट हमने बात की थी कि जो मरकरी है वो सबसे पास वाला uh, ग्रह है प्लेनेट है किसके पास इसके पास पास सन के ठीक है इट टेक्स ओनली अबाउट एटी एट कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स का मतलब क्या है पे? फिर से मैं अपनी कक्षा में अपने रास्ते पे ठीक है ऑर्बिट का मतलब है तो देखो एटी एट डेज में ये क्या कर रहा है सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है ठीक है सबकी अपनी अपनी अभी हमने इससे ऊपर वाले ग्राफ में बात करी थी आपको याद होगा ये देखिए ठीक है तो जो मरकरी है वो 88 डेज में चक्कर लगा रहा है सन के। जो वीनस है वो 255 डेज में जो अर्थ है वो 365 डेज में जो मार्स है वो 687 डेज में एंड जो जुपिटर है वो 11 इयर्स में एंड यूरेनस है 84 इयर्स में एंड सबसे लास्ट में नैपचून है 165 इयर्स में तो ये हम टेबल से याद कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं कि कौन कितने दिन में चक्कर लगा रहा ठीक है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग उससे लर्न हो जाएगा आप को, ठीक है आगे देखिए अभी क्वेश्चन है कि वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ क्यों बोला जाता है भाई जुड़वा सिस्टर तो किसको बोला जाता है क्वेश्चन फर्स्ट तो आंसर इज वीनस किसकी जुड़वा सिस्टर बोला जाता है तो आंसर इज अर्थ ठीक है अर्थ ट्विन यानी कि जुड़वा बहने बोला जाता है जुड़वा सिस्टर्स ठीक है ट्विन सिस्टर बोल सकते हैं क्यों बोला जाता है तो आंसर इज क्योंकि इसका जो साइज और शेप है वो किसकी तरह है बिल्कुल इक्वली मच सिमिलर टू द अर्थ अर्थ के जैसा ही है तो जो एक जैसे दिखते हैं उनको जुड़वा बोल देते हैं इसीलिए यहाँ पे नाम रख दिया गया अर्थ ट्विन ठीक है जुड़वा जुड़वा या सिस्टर भी बोल सकते आप लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a डिसीजन was taken दैट प्लूटो लाइक अदर

अब ये डिस्कस करने के बाद क्यों क्योंकि अगर हम देखेंगे जो एक डेट इन्होंने दी है 2006 अगस्त ठीक है कौन सी डेट 2006 अगस्त अगर 2006 से पहले की बात करें तो जो हमारे प्लेनेट्स की नंबर था प्लेनेट्स की संख्या थी वो थी नाइन ठीक है और उसमें कौन सा एक ऐड किया गया है उसका नाम है प्लूटो ठीक है अब प्लूटो को अब काउंट क्यों नहीं करते 2006 के बाद क्यों नहीं काउंट करते वो इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि एक मीटिंग हुई थी कहाँ पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्लूटो को अपना प्लेनेट मानने से जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया क्यों कर दिया उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ इतना सुन लो कि उसको अब हम लोग ग्रह नहीं मानते उसको प्लेनेट नहीं मानते हैं और उसको किस श्रेणी में रख दिया हमने उसको प्लेनेट की श्रेणी में रख दिया और प्लेनेट और कौन कौन से हैं तो उन्होंने यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हैं देखिए सैरस टू एंड यू बी ये भी डॉ प्लेनेट्स हैं इनके ही जैसा एक और डॉफ प्लेनेट बना दिया गया जिसको कहा गया प्लूटो ठीक है अभी देखो सबसे पहली शर्त क्या है हमारे पास दो शर्तें हैं क्या एक ये शर्त है ग्रह होने के लिए प्लेनेट होने के लिए हमारे हमें दो शर्तों को दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा तो वो कौन सी शर्तें हैं दो तो पहली ये शर्त है कि आप सन के चारों ओर चक्कर लगाओगे ठीक है पहली शर्त क्या है कि ग्रह हमेशा वही कहलाएंगे जो सन के जो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो भाई पहली तो शर्त ये पूरी कर रहा था प्लूटो ठीक है जो प्लूटो था वो पहली शर्त हमारी पूरी कर रहा था वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है आज भी लगा रहा है पहले भी लगा रहा था 2006 से पहले भी और 2006 के बाद भी लगा रहा है लेकिन जो दूसरी शर्त है दूसरी श... दूसरी जो शर्त है वो ये है कि अपनी ही ऑर्बिट में चक्कर लगाओगे है ना एक दूसरे की ऑर्बिट में नहीं घुसोगे ऐसे कि मतलब हम जैसे हमने हम दौड़ लगा रहे हैं हम लोग रेस कर रहे हैं ठीक है तो हम लोगों ने क्या एक पट्टिया बना दी कि भाई ये आपका दायरा है ये आपका दायरा है ये आपका दायरा मैं जो दौड़ूंगी वो इस तरीके से अपने एक ऑर्बिट में दौड़ूंगी अपनी एक, ज, एक सीधी लाइन में दौड़ूंगी और मेरे जो साइड साइड वाला है वो अपनी लाइन में दौड़ेगा अब अचानक से मैं उसकी लाइन में घुस जाऊँ और वो मेरी लाइन में घुस जाए है ना तो हमने एक दूसरे के पाथ को क्या किया हमने क्रॉस्ड किया क्योंकि तो हमारे लिए हम नहीं जीते क्यों क्योंकि जीतने के लिए ये शर्त रखी गई थी कि आप अपनी ही ऑर्बिट में दौड़ लगाओगे ठीक है तो इस तरीके से हमारी जो दौड़ थी वो कैंसिल कर दी गई तो इसी तरीके से इसको दो शर्तें दी गई पहली कि आप सन के चारों ओर चक्कर लगाओगे और दूसरी शर्त दी गई कि आप अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाओगे तो बाकी सारे जितने भी हमारे देखो अभी नौ थे बाकी जितने आठ बचे वो ये शर्त फॉलो कर रहे हैं लेकिन केवल कौन ये फॉलो नहीं किया केवल प्लूटो नाइन्थ हमारा जो प्लेनेट है प्लूटो उसने ये शर्त को फॉलो नहीं किया सेकंड वाली और वो जो हमारा लास्ट था नेपच्यून उसकी जो ऑर्बिट है उसमें ओवरलैप्ड कर गया ओवरलैप्ड का मतलब है रास्ते को काट गया ठीक है तो इस तरीके से उसने दूसरी शर्त का उल्लंघन किया दूसरी शर्त को फॉलो नहीं किया तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर उसको ग्रह होने का दर्जा उससे छीन लिया कब हुई ये वारदात ये हुई टू थाउजेंड सिक्स की बात है ठीक है उससे पहले हमने इसको ग्रह का दर्जा दिया हुआ था ठीक है आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी चलिए आगे की कहानी सुनते हैं आगे की कहानी देखते हैं देखिए द अर्थ इसको यहां से देखते हैं ठीक है चलिए देखिए द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन अभी हमने जस्ट बात की थी कि भाई जो हमारा अर्थ है वो सन के एक दो तीन तीसरा ठीक है प्लेनेट है है ना इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट अगर हम साइज के हिसाब से देखें साइज के हिसाब से तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट है geoid, है ठीक साइज के हिसाब से देखें एंड इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ना इसका जो शेप है वो कैसा है जियोइड है मींस अर्थ लाइक शेप यानी कि पृथ्वी की तरह इसका जो शेप है जियोइड का मतलब है एक तरह से ऐसा जैसे हम लोग कह देते कई साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से इसको पहले तो बोला कि राउंड है फिर उन्होंने कहा अंडा आकार है फिर उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से है ऊपर थोड़ा ध्रुवों पर चपटी है और नीचे ध्रुवों पर थोड़ी सी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और इस तरीके से है है ना अब थोड़ा सा निकल के आया है कि भाई इस इस टाइप की जियोइड टाइप की है ठीक है तो अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको तो फाइनली जो हमारा डिसीजन आया वो जियो का आया ठीक है आगे देखिए फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली यानी कि आज अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं जीवन यापन कर रहे हैं जी रहे हैं लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से किसी भी लाइफ को एंजॉय करना सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल था यानी कि पानी भी है हवा भी है पेड़ भी हैं, सब कुछ एवरीथिंग तो जो चीजें हैं जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए नीड होती है जिनकी वो सिर्फ अर्थ पर अवेलेबल है इसीलिए अर्थ पर जीवन है ठीक है आगे की कहानी देखिए द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड ना तो ज्यादा कैसा है गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है इट हैज वाटर एंड एयर उसके पास पानी भी है अर्थ के पास और एयर भी है है ना विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है बहुत ही जरूरी है द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग लाइक ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ एपिय ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाई वॉटर ट देखो अभी हमने बात की है कि भाई सबसे ज्यादा यूनिक प्लेनेट इसीलिए है क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जो एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चीजें चाहिए होती है गैसेज है एयर है वॉटर है वो सब चीजें कहाँ है अर्थ पर है दूसरी चीज इसको ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं तो भाई ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी टू थर्ड जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है और पानी जो होता है वो देखने में थोड़ा ब्लूइश होता है नीला नीला है ना ब्लू है पानी पानी वो वाले सॉन्ग से कनेक्ट करिएगा इसको तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि इस वजह से ब्लू पानी की वजह से पानी की वजह से इसका जो नाम है वो क्या रख दिया गया है ब्लू प्लेनेट रख दिया गया ठीक है इतनी कहानी समझ में आई सबको आई होप कि समझ में आई होगी ठीक है हाँ तो इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट जल्दी ही लेकर आएंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद